गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम ईवीएस में कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? चैप्टर 18। और आपका चैप्टर 18 कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम चैप्टर 18 की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले हम चैप्टर 16 को एक बार रिवाइज कर लें 18 को सॉरी 16 नहीं चैप्टर 18 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, हार्मफुल केमिकल्स वेस्टेज फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीवेज एंड डेड बॉडीज पल्यूट द वाटर। जैसे हार्मफुल केमिकल वेस्ट कहाँ से निकलता है? फैक्ट्रियों से निकलता है, या हमारे घरों से कोई भी हार्मफुल केमिकल वेस्टेस निकलते हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, नालियों में जो गंदा पानी होता है, या फिर जो मरे हुए शरीर होते हैं, जानवरों के शरीर हो सकते हैं मरे हुए, तो या चिड़िया है कोई इसका शरीर मरा हुआ है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? पानी को गंदा करती हैं, प्रदूषित करती हैं। पॉल्यूटेड वाटर डिस्टर्ब्स द एक्वाटिक लाइफ किलिंग फिश एंड वाटर प्लांट्स। अब जो गंदा पानी होता है वो क्या करता है, जो भी एक्वाटिक लाइफ होती है मतलब पानी में रहने वाले जानवरों का जो जीवन होता है वो क्या हो जाता है एक तरीके से, बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं, पानी में रहने वाले जानवर मर जाते हैं, और जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मर जाते हैं। गंदे पानी से यही होता है, प्रदूषित पानी अगर कोई पी लेगा या उस प्रदूषित पानी के अंदर कोई रहेगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा। पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफॉइड, डिसेंट्री, डायरिया एंड कोलेरा। अब जो प्रदूषित पानी होता है वो बहुत सारी बीमारियाँ कर सकता है। जैसे देखिए, गंदा पानी अगर हम पिएंगे या फिर गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो सकता है, हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, जॉन्डिस हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है बीमारी, डायरिया हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, तो ऐसी कई बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। अब पानी जो पीने लायक होता है, पीने के लिए फिट होता है, सही होता है, ऐसे पानी को हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। वी शुड कंजर्व वाटर, हमें पानी को सुरक्षित करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। हमें पानी हम जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमें, है ना, जैसे अभी हम नल के नीचे अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, तो आप जब तक अपने साबुन को रब कर रहे हैं, सोप को अपने हाथों में रब कर रहे हैं, तब तक आप नल को टैप को बंद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग खुला रखते हैं, इससे क्या होगा, वाटर वेस्ट हो रहा है। तो पानी को वेस्ट होने से हमें बचाना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। वी मस्ट मेक श्योर दैट द वाटर वी ड्रिंक इज क्लीन, और आपको ये बात का पूरा ध्यान रखना है, जो भी पानी आप पीते हैं वो साफ, अगर वो साफ़ नहीं है तो उसको आप साफ़ करके पिए, जैसे आप उसको बॉयल कर पिए, या फिर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं पानी को छान कर पिए, या फिर हम क्लोरीन टैबलेट्स डालकर क्लोरीनेशन प्रोसेस के थ्रू उस पानी को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर पर कभी पानी आता है, अगर आपको थोड़ा सा गंदा लगता है, तो उसको आप बॉयल कर पीजिए, इससे क्या होगा, बॉयल करने से जितने भी उसमें जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब एक्सरसाइजेस करते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज, ये आपकी हम कह सकते हैं कि जो आपका चैप्टर है, चैप्टर के बीच में एक एक्सरसाइज दी गई है, देखिए क्या है, डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स कॉजिंग पॉल्यूशन फ्रॉम दीज पिक्चर्स। आपको उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है जो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, इन तीनों पिक्चर्स को देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, देख सकते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है और ये पानी गंदा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर ये डोमेस्टिक एनिमल्स को पानी में नहलाया जा रहा है, इसलिए पानी क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको कहाँ डाला जा रहा है, पानी में डाला जा रहा है, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इससे हमारा पानी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो हमें एक एक करके सारी पिक्चर्स के बारे में अच्छे से, जो फैक्टर्स किन के थ्रू हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप फर्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, तो जो फर्स्ट पिक्चर है वो आप ये देख रहे हैं कि जितना भी फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल है, जितना भी इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्टेज है, वो सब कहाँ डिस्चार्ज किया जा रहा है, पानी में डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो जब हमने कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन पढ़े थे ना कि वाटर पॉल्यूशन के कॉज क्या होते हैं, कारण कैसे, क्या किन किन
चीज़ों को करने से वाटर पोल्यूशन होता है। इसी तरीके से तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन वाटर, पानी में इंडस्ट्रियल वेस्टेज का क्या किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। मतलब जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट है, हार्मफुल केमिकल्स है, सब वो डायरेक्टली कहाँ फेंके जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी पिक्चर देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें जानवरों को पानी में नहलाया जा रहा है। कौन से जानवरों को? जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको। तो सेकेंड फैक्टर आपका ये हो सकता है, वेदिंग डोमेस्टिक एनिमल्स इन द वाटर इन द रिवर, नदी में डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करना है, नहलाने से क्या होगा, पानी गंदा होगा हमारा, तो ये भी वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, आगे देखिए, और जब आप तीसरी पिक्चर देखेंगे तो उसमें क्या किया जा रहा है, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है उसको पानी में डाला जा रहा है ना, पानी टू डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्टेज इन वाटर बॉडीज, तीसरी पिक्चर में ये हो रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम पानी में डिस्चार्ज कर रहे हैं, सेकेंड पिक्चर आपको ये दिखा रही है कि नदी में डोमेस्टिक एनिमल्स को नहलाया जा रहा है, और थर्ड पिक्चर ये शो कर रही है कि जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर डोमेस्टिक वेस्टेस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे वाटर पोल्यूशन होगा, पानी हमारा क्या होगा, गंदा होगा। आई बात समझ में? और आप ये देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर से कि फर्स्ट पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री है या जो हम इंडस्ट्री है उससे धुआं भी निकल रहा है, तो ये एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये आपकी एक्सरसाइज दी गई थी, इसे आप अपनी बुक में ही फिल कर लें। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, आपकी अब ये बुक की एक्सरसाइजेस चालू हुई, तो ए नंबर की एक्सरसाइज देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है ये? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है। देखिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन क्या करना है, करेक्ट करना है। फर्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इन तीनों में आपको बताना है कि इनमें से वाटर पोल्यूशन का कारण कौन सा है, मतलब इन कारणों की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। वेदिंग एनिमल्स, अगर हम जानवरों को पानी में नहलाएंगे वाटर पोल्यूशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इससे क्या होगा, अगर हम जानवरों को पानी में नहलाते हैं तो नहलाने से क्या होगा कि पानी गंदा होगा, तो वाटर पोल्यूशन तो होगा ही। डंपिंग ऑफ वेस्टेज, हम पानी में अगर वेस्टेज डालते हैं, कोई भी कूड़ा अगर हम डाल देते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, इससे भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है और इस पॉइंट से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी। अगला देखिए, सेकेंड वाला, द डिसीजेस कॉज्ड बाई पोल्यूटेड वाटर इज, या आर, स्लैश लगा लीजिए यहाँ पर, मतलब इज हो सकता है या, तो दो देखिए, तो डिसीजेस कॉज्ड बाई पोल्यूटेड वाटर, गंदे पानी से, जो प्रदूषित पानी होता है उससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, मलेरिया, नहीं मलेरिया नहीं होता, जॉन्डिस हो सकता है, और नन ऑफ दीज, तो इससे क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जो जो क्या कहते हैं, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में पढ़ा था, डिसीजेज कॉज बाय पोल्यूटेड वाटर कौन कौन सी हैं, कोलेरा है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है, डायरिया है, तो ये सारी चीज़ें गंदे पानी से हो सकती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। तो क्या है अब फिर, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, जॉन्डिस। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ कैन बी क्लीन वाटर, हम पानी को साफ कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब हम अपने सपोज हमें हमारे घर पर पानी आया और हमने वो पानी थोड़ा गंदा है, तो उसको साफ करने के कॉमन मेथड्स होने चाहिए। जैसे देखिए, बाई बॉइलिंग, हाँ उबाल कर क्या होता है, पानी के जितने भी जम्स होते हैं वो मर जाते हैं और साफ पानी बच जाता है। तो बाई बॉइलिंग ये भी सही है, बाई एडिंग क्लोरिन टैबलेट्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि हम पानी में क्लोरिन टैबलेट्स डाल देते हैं, तो जो क्लोरिन टैबलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पानी में जितने भी जम्स होते हैं उन्हें मार देती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, बोथ ए एंड बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, बोथ ए एंड बी। तो आप ऑप्शंस तो उतारेंगे नहीं, तो आप ये लिखिएगा बाई बॉइलिंग एंड बाई एडिंग क्लोरिन टैबलेट्स, कोई ये नहीं लिखा है बोथ ए एंड बी, क्या ए एंड बी, आप पूरा लिखिएगा बाई बॉइलिंग एंड
बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। ऐसी फर्स्ट वाले में आप करेंगे बेदिंग एनिमल्स एंड डंपिंग ऑफ वेस्टेस, क्योंकि आप ऑप्शन तो उतारते नहीं हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें आप दोनों लिखिएगा, फिर ऑल ऑफ दीज मत लिखिएगा। आई बस सब मिस सभी बच्चों को। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं आपको, उन्हें आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। देखिए फर्स्ट, हार्मफुल केमिकल वेस्टेज फ्रॉम ब्लैंक एंड फैक्ट्रीज। मतलब जो हार्मफुल केमिकल वेस्टेज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? होम्स, घरों से, एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज से। वो क्या करते हैं? पल्यूट द वाटर, पानी को गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, वाटर प्लांट्स बिकम ब्लैंक एंड डाई। जब क्या होता है, पानी गंदा होता है, तो जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इन्फेक्टेड एंड और डाई, और फिर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। थर्ड, वाटर इज ब्लैंक। जो पानी है वो कैसा है बताइए आप मुझे? बहुत कीमती है, और कीमती की इंग्लिश क्या होती है? प्रेशियस, PRECIOUS, प्रेशियस। ओके, ब्लैंक किल्स द जर्म्स इन वाटर। क्या पानी में जर्म्स को मार देती है? बॉइलिंग, पानी को अगर हम उबालते हैं तो पानी को बॉयल करने से क्या होता है? पानी में जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन वाटर। आई बात समझे सभी बच्चों को? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए क्या है। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। पल्यूटेड वाटर, पल्यूटेड वाटर मतलब प्रदूषित पानी। अब देखिए प्रदूषित पानी यूज टू प्यूरिफाई द वाटर, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नो, मेक सॉइल इनफर्टाइल, हाँ, जो पल्यूटेड पानी वाटर होता है, मतलब जो प्रदूषित पानी होता है वो क्या करता है? मिट्टी को इनफर्टाइल बना देता है। हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं बन पाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, हम उस पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं। तो हमें प्रदूषित पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें पानी को प्रदूषित ही नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, आरओ सिस्टम्स आर, जो आरओ सिस्टम होते हैं बताइए, आरओ सिस्टम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? पानी को प्यूरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम आरओ सिस्टम्स का ही तो यूज़ करते हैं। तो आरओ सिस्टम्स आर यूज टू प्योरीफाई द वाटर, तो इसका कौन सा है? ये टू। ओके, जो आर ओ सिस्टम्स होते हैं वो पानी को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी जो पानी पीने लायक हो, मतलब पीने के लिए फिट हो, उस पानी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसे पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो पानी पीने योग्य है, पीने लायक है, हम उसको पी सकते हैं, पीने के लिए फिट है, वो सही है, तो ऐसे पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ओके, हार्मफुल केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को पल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो हार्मफुल केमिकल्स पल्यूट द वाटर, पानी को क्या करते हैं? वो प्रदूषित करते हैं। क्या? हार्मफुल केमिकल्स। ओके, सबस्टेंस कॉजिंग पल्यूशन, जो भी चीज़ें पल्यूशन क्रिएट करती हैं, मतलब जिन चीज़ों की वजह से पल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड पल्यूटेंट्स, उनको हम पल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें पानी को गंदा करती हैं उन्हें हम पल्यूटेंट्स कहते हैं। आई बात समझे सभी बच्चों को? तो ये है फिफ्थ नंबर, तो ये मैचिंग आपकी हो गई। तो आज आपको होमवर्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, फिलिंग ब्लैंक्स करनी है, और मैच दी फॉलोइंग करनी है। ये तीन एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। आई बात समझे सभी बच्चों को? तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स लर्न कराऊंगी। ओके, बाय बाय।